होली क्यों मनाई जाती है, इससे जुड़ी एक कहानी सुनते हैं दोस्तों। ये पौराणिक कहानी होलिका दहन की है। एक बार भारत में एक राजा था। वह बहुत ही दुष्ट व्यक्ति था, घमंडी, लालची और क्रूर था। प्रत्येक को वैसा ही करना चाहता था जैसा उसने आदेश दिया था। उसने अपने लोगों को यहाँ तक कि ये भी कहा कि वह एक भगवान है, इसलिए उन्हें भी उसकी पूजा करनी होगी। इस राजा का प्रहलाद नाम का एक पुत्र था जो अपने माता पिता की तरह ही दयालु था। वह भी मानता था कि उसके पिता भगवान हैं। वह एक दिन जब प्रहलाद ग्रामीण इलाके में घूम रहा था तो उसने एक महिला को घुटनों के बल झुकते हुए देखा। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उसका सिर झुका हुआ था। वह प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान विष्णु, जो भय दूर करते हो, मैं आपके समक्ष समर्पण करती हूँ, हे माँ प्रभु। प्रहलाद क्रोधित हो गया, नारी जब तुम जानती हो कि तुम्हारा राजा ही भगवान है, तुम भगवान विष्णु से प्रार्थना क्यों करती हो। स्त्री ने अपना मुख प्रहलाद की ओर कर लिया, उसके गालों पर आंसू थे। उसने कहा, मेरी बिल्ली के बच्चे कुएं में गिरे हुए हैं, मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि वे बच जाए। जैसे ही वह बोली, कुएं से एक छोटी सी म्याऊं की आवाज आई। प्रहलाद को आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि एक छोटा सा पंजा उसके किनारे से चिपका हुआ है। महिला ने उसे धीरे से बिल्ली के बच्चे को उठाया और सुरक्षित रूप से जमीन पर रख दिया। फिर उन्होंने एक और म्याऊं की आवाज सुनी। एक एक करके बिल्ली के बच्चे को कुएं से बाहर निकालने लगे। मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया गया है, महिला खुशी से चिल्लाई और अपने घुटनों पर गिर गई। जैसे ही प्रहलाद घर गया, उसने सोचा कि क्या हुआ था, क्या सच में भगवान विष्णु ही है भगवान, मेरे पिताजी आखिरकार भगवान नहीं है। उसने सोचा, आज से मैं भगवान विष्णु की पूजा करूंगा। जब यह बात उसके पिता को पता चली तो वे बहुत क्रोधित हुए। मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए। उसने अपने सिपाहियों को बुलाया, मेरे बेटे को ले जाओ और उसे देश की सबसे ऊंची चट्टान से फेंक दो। उन्होंने प्रहलाद को एक चट्टान पे ले गए और किनारे से फेंक दिया। नीचे, सबसे नीचे प्रहलाद गिर गया। गिरते ही उसने भगवान विष्णु से उसकी रक्षा के लिए स्वयं प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनकी ये प्रार्थना सुन ली, जिससे उनका सिर और धीरे धीरे गिरते हुए नीचे की ओर गिर गए, जिससे उन्हें कोई चोट नहीं लगी। जब राजा को बात पता चली कि राजकुमार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो वे बहुत क्रोधित हुए। उनका बेटा इस तरह गिरने से कैसे बच सकता था। बहुत बढ़िया, उन्होंने कहा, उसे सांपों के घोंसलों में फेंक दो, आइए देखें कि उसमें से कैसे बाहर निकलेंगे। जब प्रहलाद को सर्पकुंड में ले जाया गया, जब उन्होंने अंदर देखा तो सैकड़ों सांपों को अपने नीचे घूमते हुए देखे तो वे कांप उठे। उनके शरीर कितने मोटे थे, वह एक वयस्क व्यक्ति की बाहों जितना मोटा था। जैसे ही उसने अंदर धकेला गया, उसने अपने भगवान से फिर प्रार्थना की। सांप प्रहलाद के शरीर के चारों ओर फुंकारते हुए और लिपटते रहे, लेकिन उसे चोट पहुंचाने में असमर्थ रहे। जब उसे पता चला कि प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, तो राजा और भी क्रोधित हो गया। उसने सोचा, ऐसे कैसे हो सकता है उसके साथ। उसने फिर कहा कि उसे हाथियों के झुंड में डाल दो। वह चिल्लाया, लेकिन पहले उन्हें ताना मारो ताकि वे हाथी क्रोधित हो जाएं और उसे कुचल दे। उसने खुशी से अपने हाथ रगड़े, इस बार वह बच नहीं पाएगा, उसने हंसते हुए कहा। प्रहलाद को देखते ही हाथियों ने अपनी सूंड उठाई और जोर जोर से चिंगाड़ने लगे। जब वे उसकी ओर बढ़े तो प्रहलाद ने अपना डर दिखाने की कोशिश नहीं की। उसने फिर से अपने भगवान से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की कि हे प्रभु, आज मुझे आपकी आवश्यकता है, मेरी रक्षा करो और देखने वालों को
ये आश्चर्य हुआ। जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, वे रुक गए और अपनी सूंड नीचे कर दी और उसे धीरे धीरे से थपथपाया। मुझे क्या करना है? राजा ने उस रात अपनी बहन से कहा कि अब बताओ कि मैं क्या करूं। जब उसके बेटे के भागने की खबर उस तक पहुंची, मैं उसे कैसे छुटकारा पाऊं? राजा की बहन, जिसका नाम होलिका था, प्रहलाद को मरा हुआ देखना चाहती थी। ये सब मुझ पे छोड़ दो भैया, उसने राजा से कहा। मेरे पास एक विचार है, सुबह एक विशाल अलाव जलाऊंगी और उसमें इसको ले चलूंगी और प्रहलाद को मेरे पीछे आने की चुनौती दूंगी। राजा ने भयभीत होकर कहा, तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा? मैं नहीं, वह मुस्कुराई, लपेटे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती भैया, मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं जो मेरी रक्षा करेगी। राजा मुस्कुराए, तो फिर ये वास्तव में ही एक अच्छी योजना है, राजा विचार करने लगा। आखिरकार उसे अपने बेटे से छुटकारा मिल ही जाएगा। सुबह होलिका ने अपने सेवकों को महल के सामने एक विशाल अलाव जलाने का आदेश दिया। चारों ओर खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी करी गई। स्त्री पुरुष लाठियां बटोरते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। फिर एक जलती हुई मशाल को लाठियों के पास रख दिया गया। लकड़ियां बहुत सूखी थी और आग की लपटें तेज ऊपर उठ रही थी। जल्द ही आग तेजी से जलने लगी। आग बहुत भयंकर थी, बहुत ही ज़्यादा गर्म थी और इतना जल रही थी कि किसी की भी उसके करीब अगर खड़े होने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही होलिका आग की लपेटें ऊंची उठने लगी, होलिका ने प्रहलाद को अपने पास बुलाया, प्यार से उसे बुलाने लगी। मेरा लड़का है, उसने उससे कहा। उसने अलाव की ओर इशारा किया कि इसमें आप आग लगा दो। आग जल रही थी और अपने भतीजे को अपने पास बुलाया। आइए देखें कि अब सबसे बहादुर उन दोनों में कौन है, होलिका या प्रहलाद। एक बार और अपना साहस दिखाओ, आग मेरे पीछे आ जाओ। और उसके साथ ही होलिका आग की लपेटों में समा गई। उसकी जादुई शक्तियों ने उसे नुकसान होने से बचाया, लेकिन अब भगवान विष्णु प्रहलाद पर नज़र रखे हुए थे। जैसा कि उन्होंने पहले भी कई बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी, अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रहलाद उनके पीछे आग में चला गया। जैसे जैसे आग की लपटें ऊंची होती गई, भगवान विष्णु ने होलिका की जादुई शक्तियां छीन ली और उसके बदले प्रहलाद को वो सारी शक्तियां दे दी। आग की लपटों ने होलिका को अपनी चपेट में ले लिया तो अचानक चीख पुकार मच गई। एक झटके में उसके पास जो कुछ बचा था वह कुछ चमकते अंगारे थे, लेकिन प्रहलाद आग के बीच में खड़ा रहा। तेज लपटों से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ और आज भी होली के समय आग जलाई जाती है और जब वे टिमटिमाती लपटों को देखते हैं तो लोग होलिका और प्रहलाद की कहानी आज भी याद करते हैं और कैसे बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, इस कहानी से आज हमने जाना। होलिका का तो इसमें पूरी तरह दहन हो गया और प्रहलाद की जीत हुई, वो बच गया क्योंकि प्रहलाद अच्छाई का पुतला जो था। दोस्तों, ये थी होलिका की दहन की कहानी जो होली पर मनाई जाती है और अगले दिन दूसरे दिन फाग उत्सव मनाया जाता है। माना जाता है भगवान विष्णु ने इस दिन इस रात से होली खेली थी और एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को रंग लगाया था इस दिन, इसलिए इसे फाग उत्सव यानी धुलंडी के नाम से दूसरे दिन होलिका मनाई जाती है। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।